पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जाके क्यों इतनी अच्छी नहीं हुई? देखिए, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की पिचेस डिफरेंट हैं, उधर बाउंसी ट्रैक्स होते हैं और गेंद हिलता है. जब हम कहते हैं गेंद हिलता है तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे अभी यहाँ पे डल चल रहा है ना, अगर आप ये मैच न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता तो विकेट कीपर यहाँ पकड़ रहा होता गेंद, ठक ठक इस तरह गेंद आता और बल्ले पर, उसमें शॉट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं मगर गेंद फ्लाई करता है. तो एक आदत की बात होती है, हमारे बच्चे इसलिए कि इन स्लो विकेटों पे खेलते हैं तो वहाँ जाकर वो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में जो बाउंसी ट्रैक होते हैं जहाँ गेंद पड़ के ऊपर आता है और हिलता भी है तो यहाँ खेलना पड़ता है. जब यहाँ आप खेलते हैं वो आदत नहीं होती. पाकिस्तान में आप यहाँ खेलते हैं, नीचे जाकर खेलते हैं, आपका सर झुका होता है, जिस्म झुका हुआ होता है इसलिए कि गेंद नीचे रहता है तो आप झुक कर खेलते हैं. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में थोड़ा सा ऊपर आता है, ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया में. न्यूजीलैंड में हिलता बहुत है गेंद, पढ़ के यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर तो आप यूँ खेल रहे हैं, वहाँ पर तो यहाँ से यूँ चला जाता है, गेंद स्लिप्स में चला जाता है. तो ये फ़र्क हो जाता है. तो पिच की आदत की बात है. और अनदर क्वेश्चन फ्रॉम एम भुट्टो, माय क्वेश्चन इज टू यू. आई थिंक इमाद इज बेटर देन बाबर फॉर कराची, नो डाउट बाबर इज अ ग्रेट प्लेयर बट आई थिंक इमाद बेटर कैप्टन होते हैं. इमाद नहीं, नहीं देखिए, पाकिस्तान टीम का कप्तान कौन है? बाबर आजम. आईसीसी ने दुनिया का जो कप्तान बनाया वो बाबर आजम. तो अब ये कहना कि वो बिल्कुल गलत बात है, ये 3 साल पहले ही इसको बना देना चाहिए. तो मैं बहुत लड़ता था इस बात पे कि पाकिस्तान टीम का कप्तान, पाकिस्तान टीम का कप्तान मगर वहाँ पर वो कप्तान नहीं है. और अगर हम कराची किंग्स की बात करें तो रिजवान भी काफ़ी टाइम वो साइड्स पे बैठे रहे हैं, उनको बिठाया के रखा. जब पाकिस्तान टीम में थे उस वक्त भी मैं आर्गुमेंट करता तो लोग उसको नेगेटिव लेते थे. मैं ये पूछता था कि 4 साल से एक लड़का साथ है आपके, खिलाते क्यों नहीं आप उसको? शैडविक वॉल्टन उनकी विकेट कीपर होते थे. नहीं, पाकिस्तान भी नहीं खिलाता था ना, इसलिए कि सरफराज नहीं छोड़ता था जगह. सही. वे आप उसको क्यों नहीं खिलाते? मैं ये शोर करता था भाई आप नहीं अच्छा है तो निकालो उसको किसी और को. लोग जब वो आए तो उन्होंने तो अपनी जगह ही बना ली. तो इसी तरह यहाँ पर भी उसको बिठा के रखा था, उसका कोई जवाब नहीं था कराची किंग के पास कि वो खुदा भला करे उसको बाहर बिठाने का. तो मगर उनकी अपनी राय थी कि जी उनको बाहर बिठाना है. अब देखें वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है. मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है ओपनिंग की और जो रन बनाने की शॉर्टर फॉर्मेट में, वो सिर्फ रिजवान की वजह से एक्सेलरेट होती है.